नमस्कार, मैं धैर्य मित्रा। अक्षय की फिल्म बेल बॉटम थिएटर्स पर रिलीज हो चुकी है और अब उसी राह पर चल पड़ी हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। दरअसल कंगना की फिल्म थलाइवी जल्द ही थिएटर्स पर रिलीज होने वाली है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट साझा कर दी। कंगना ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि थलाइवी जल्द ही इंडिया में रिलीज होगी। इससे पहले बताया जा रहा था कि फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलीज किया जा सकता है। हालांकि अब कंगना के पोस्ट के बाद कंफर्म हो गया है कि थलाइवी पहले सिनेमा घरों में रिलीज होगी और फिर OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम की जाएगी। बता दें कि इस फिल्म में कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की भूमिका निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। बता दें यह फिल्म पहले 26 जून 2020 को रिलीज होने वाली थी, पर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद इस साल फिल्म 23 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, पर कोरोना के बढ़ते मामलों और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के चलते फिर यह पूरा ना हो सका। बात करें कंगना की अपकमिंग फिल्म्स की, तो उनके पास तेजस, धाकड़, अनटाइटल जैसी बड़ी फिल्में हैं। हाल ही में कंगना ने फिल्म धाकड़ की शूटिंग पूरी की और भारत लौटी। पिछले कुछ हफ्तों से अर्जुन रामपाल दिव्या दत्ता के साथ एक्शन के लिए बुदापेस्ट में शूटिंग कर रही थी। बहरहाल आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।